हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फटाफट रिवीजन की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम कवर करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2021 के लिए। और इसमें आज हम करंट अफेयर देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स होंगे इसमें, कुछ उत्सव मनाए गए हैं, इस तरीके से कुछ चीज़ें हम देखेंगे। बिना समय गवाए भी ये वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके लगभग प्रश्नों को कवर करने की कोशिश है ये। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद रखिए, जैसा कि टारगेट भी है, कि 105 प्लस, तो ये टारगेट भी कंप्लीट करना है। वीडियोज सभी इम्पोर्टेंट हैं, उन सब जो वीडियोज हैं वो सब देख देखिए आप लोग, जो भी समय बचा उसका यूज अच्छे से यूज करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का चैप्टर। शुरुआत करेंगे हम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक से। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021, पहली बात तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, याद रखना है। पहली रैंक केरल को मिली है, दूसरे पर आपका हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड को मिला हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पर केरल, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, और तीसरे पर है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को। अंतिम स्थान पर देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में बिहार है 52 स्कोर के साथ, और झारखंड नीचे से दूसरे नंबर पर है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला नंबर किसका है, चंडीगढ़ का है, स्कोर है इसका 79। अगर विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों का प्रदर्शन की बात करें तो याद रखना, गरीबी नहीं है तमिलनाडु में, गरीबी के मामले में एक नंबर पर तमिलनाडु है। साफ पानी और सफाई के मामले में गोवा पहले नंबर पर है। भुखमरी नहीं है जहाँ, केरल है। अच्छा काम, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला हुआ है। अच्छा स्वास्थ्य गुजरात में, गुणवत्ता वाली शिक्षा के मामले में केरल को, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गुजरात को, लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को, और असमानता में कमी के मामले में मेघालय को पहला स्थान मिला हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से राज्यों का प्रदर्शन। ठीक है, इसमें अगला रिपोर्ट है अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 मार्च 2021 तक की रिपोर्ट है ये। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है भाई इसमें। देखिए, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर जारी किया है, यूनिसेफ और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। लगातार दूसरा साल है कि मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला हुआ है, ओडिशा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश का पहला स्थान है। यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार का पहला स्थान है, और राज्यों में देखेंगे, वैसे सिर्फ राज्यों में देखेंगे तो बिहार का 22वां स्थान और उत्तर प्रदेश का 20वां स्थान है। लेकिन 28 ये 28 में से 28 में से बात हो रही, ठीक है, 28 में से 22वां स्थान है किसका, बिहार का, और 20वां स्थान उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 मार्च 2021 में जारी हुआ है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, भैया याद रखना मंत्रालय पूछा जाता है। दो श्रेणियों में जारी किया गया, कौन कौन सी श्रेणी है, एक तो मिलियन से अधिक और मिलियन से कम। मिलियन से अधिक वाले हम देखेंगे जो बड़े राज्य हैं, बड़े शहर हैं, राज्य नहीं भाई, बेंगलुरु को पहला स्थान, दूसरे स्थान पर पुणे और तीसरे पर अहमदाबाद है। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन में देखें तो श्रीनगर को, सबसे खराब स्थिति है श्रीनगर की, उसके बाद दूसरे नंबर पर धनबाद है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 1 मिलियन से अधिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन और सबसे खराब प्रदर्शन में आ गया। अब हम 1 मिलियन से कम वाले में देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा भैया, पहले नंबर पर शिमला है, दूसरे पर भुवनेश्वर और तीसरे पर सिलवासा है। ठीक, लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन इस मामले में देखेंगे तो मुजफ्फरपुर का आएगा।
याद रखना, मुजफ्फरपुर बिहार पीसीएस वाले भी ध्यान रखें इसको। एनसीआर दिल्ली, एनसीआर जो दिल्ली है ना उसको 13वां स्थान मिला है और पटना को 33वां स्थान मिला हुआ है। एक नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ 2020 में, ये आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके भी दो श्रेणियां हैं, 1 मिलियन से अधिक, 1 मिलियन से कम। तो मिलियन से अधिक वाले में इंदौर को पहला स्थान मिला हुआ और सबसे खराब प्रदर्शन किया है गुवाहाटी ने, दूसरा स्थान इंदौर को। सबसे अच्छा प्रदर्शन पहला नंबर इंदौर, दूसरे पर सूरत और तीसरे पर भोपाल का स्थान है, ठीक है याद रखना। ठीक, और सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा, तो गुवाहाटी का रहा भैया, गुवाहाटी आसाम में है। ठीक, मिलियन से कम वाले में देखें तो नई दिल्ली पहले नंबर पर, दूसरे पर तिरुपति, तीसरे पर गांधीनगर का नंबर है। और सबसे खराब स्थिति 1 मिलियन से कम वाले में शिलांग की है। शिलांग कहाँ के है, मेघालय की राजधानी है। अब इस मामले में पटना का 16वां स्थान है भैया, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2.0 जारी हुआ है, नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा जारी हुआ, ये 3 श्रेणियों में आया है। 3 श्रेणी विभिन्न राज्य हैं, यूटी है, पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, इन 3 श्रेणियों में जारी किया गया है। अब इन 3 श्रेणियों हम प्रथम देखेंगे, अंतिम देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो बड़े राज्यों में देखेंगे, विभिन्न राज्य जो हैं उसमें कर्नाटक पहला, दूसरा का महाराष्ट्र, तीसरे पर तमिलनाडु का नंबर है, अंतिम स्थान बिहार का है भैया, बिहार का सबसे अंतिम स्थान है। ठीक, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में देखेंगे, पहला आपका हिमाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है। यूटी में देखेंगे पहला स्थान दिल्ली का है और अंतिम स्थान आपका लक्षद्वीप का है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन याद रखना कि अगर हम समग्र रूप से बात करें तो दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला हुआ है इसमें, पूरा सब कुछ मिला के राज्य यूपी सब कुछ मिला देंगे, एक साथ कर देंगे, तो दिल्ली पहले स्थान पर है और लक्षद्वीप को अंतिम स्थान मिला हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका भारतीय नवाचार सूचकांक। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, एक है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20, तीसरा संस्करण है, याद रखना भैया कौन सा है, तो तीसरा संस्करण जारी हुआ है। ये किसने किया है भाई, शिक्षा मंत्रालय ने किया है, जून 2021 में हुआ है। 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिया गया है। पंजाब को मिला भैया 929 नंबर, जो कि पहले नंबर पर है। दूसरे पर छत्तीसगढ़, जिसको 912 अंक प्राप्त हुए। तीसरे पर तमिलनाडु, जिसको 906 अंक मिले हुए थे। लद्दाख, लद्दाख जो है 545 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है, याद रखना परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। ठीक, ग्रेड और लेवल के आधार पर देखेंगे, ग्रेड और लेवल के आधार पर देखा जाए तो क्या होगा, पहले नंबर पे देखिए 951 से 1000 के बीच में कोई भी राज्य नहीं है, क्योंकि हमने पहले राज्य में बताया था उसका पंजाब का नाम है, तो वो कितना उसका मार्क है 929। ठीक है, पहला लेवल तो खाली है। दूसरे 901 से 950 के बीच में अंडमान निकोबार है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, पंजाब है, तमिलनाडु है, ये ग्रेड वन में शामिल है। तो ग्रेड वन में कितने राज्य हैं याद रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 राज्य हैं ग्रेड वन में। दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे 701 से 750 के बीच में, इसमें देखिए ग्रेड थर्ड है, तो ग्रेड थर्ड में 4 राज्य हैं, कौन कौन, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश और मिजोरम, ये है लेवल 4। ठीक है, इनका लेवल चौथा है। ओके, अच्छा लेवल 10 में, लेवल 10 में देखेंगे तो ग्रेड है इनका 7वां, लद्दाख का नंबर आ रहा है 0 से 550 की श्रेणी में। ठीक है, तो लद्दाख का सबसे आखिरी स्थान है, ये भी याद रखना हमें। चलिए अब हम कुछ राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में देख लेते हैं भाई, राष्ट्रीय महोत्सव है वो कहाँ मनाए गए हैं, ठीक है उनके बारे में प्रश्न हो सकता है, पूछ लिया जाए। तो 11वां संस्कृति महोत्सव 21 में पश्चिम बंगाल में हुआ है, रज महोत्सव 21 मनाया गया उड़ीसा में, कलर ऑफ पक्षी नागा नकटी
पक्षी अभयारण्य आपका जमुई बिहार में है, याद रखना। काला नमक चावल 2021 सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के लिए। स्ट्रॉबेरी 2021 झांसी उत्तर प्रदेश में। गुड़ महोत्सव मनाया गया, गुड़ महोत्सव लखनऊ में आपके, ठीक है। गुड़ महोत्सव कहाँ भैया? गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया, ठीक। फिर केला महोत्सव कहाँ मनाया गया? कुशीनगर में मनाया गया, यूपी के। ये चारों हैं, इनको याद रखना, काला नमक से लेकर केला तक की बात है। माघ बिहू, बिहू असम में मनाया जाता है। चाय उत्सव मनाया गया असम में ही। शिल्पग्राम 21 मनाया गया असम में, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे है सिंगमो, सिंगमो महोत्सव एक गोवा में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया, आपको पता है। आदि महोत्सव मनाया गया, आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। अभी कंचोथ, कंचोथ जम्मू कश्मीर में। मांडू महोत्सव आपको मध्य प्रदेश का धार जिला में, ठीक। तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा में मनाया गया है। कलिंग की राजधानी तोसली थी, इससे याद रखना, ठीक। कनुमा कहाँ मनाया? कनुमा, कनुमा आंध्र प्रदेश में। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव मनाया गया लेह में, लेह। अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया गया? ये केरल में। तथा सांगकेन जल महोत्सव है, सांगकेन क्या है? सांगकेन एक जल महोत्सव है और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, भाई प्रश्न के पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पेपर है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक। आगे है प्रमुख समझौते, देखेंगे 2021 में हुए कुछ। तो एक तरफ हमने क्षेत्र देखा है, एक तरफ देश संस्था देख रही है, ठीक। तो एक है लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में बंदरगाह और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर समझौता किया है सहयोग के लिए, ठीक है। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान ने समझौता किया हुआ। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य मिलकर सब किए हैं मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक। आगे है खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग, खनिज संसाधन क्षेत्र में सहयोग भारत अर्जेंटीना है। सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। फिर क्या है, जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जनजातीय मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया। कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु भारत और जर्मनी ने समझौता किया है, ठीक। भारत के 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्लीन मैक्स और फेसबुक इन दोनों ने समझौता किया हुआ है भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आगे है गगनयान मिशन, इसरो और CNES जो कि फ्रांस इन दोनों ने मिलकर समझौता किया। सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया ने मिलकर काम किया है। जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान ने सहयोग किया। खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत तथा मालदीव के बीच समझौता हुआ। व्यापक आर्थिक सहयोग भागीदारी समझौता CECPA भारत और मॉरिशस के बीच हुआ। शहतूत या लालंदर बांध कहाँ है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ। याद रखना ये जो शहतूत बांध है ना भैया, ये मैदान नदी पर है, याद रखना मैदान नदी पर है, ठीक। जलवायु परिवर्तन समस्या के लिए बिहार और UNEP है। मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसंस्करण, प्रसारण, सड़क और संरचना, आवास आदि पर समझौता हुआ भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। वीजा सुविधा चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए भारत इथियोपिया के बीच हुआ है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है। तो भैया समझौते भी याद रखने हैं, इनमें से एक प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। बार बार बता रहे हैं कि पेपर का समय है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। अंतिम समय है, अच्छे से लग जाना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक। और समय रहेगा यूपी स्पेशल का भी एक दो वीडियो कम से कम कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, परेशान नहीं होना, उसमें छूटेगा कुछ नहीं आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बजट 2021-22 से संबंधित कुछ। हम कुछ ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, एक पेज में या दो पेज में है ये पूरा, हमने समेट कर रखा है।
1 फरवरी 2021 को जा पेश हुआ। ठीक, पहला पेपरलेस बजट है, डिजिटल बजट है, याद रखना, पहला पेपरलेस बजट डिजिटल बजट है। थीम थी आत्मनिर्भर भारत, याद रखना। 21 महत्वपूर्ण मील के पत्रों का वर्ष भैया, तो किसका किसका वर्ष भाई? आज़ादी का 75वां, गोवा विलय का 60वां वर्ष, भारत पाक युद्ध का 50वां वर्ष 1971 में हुआ था जो, 8वीं जनगणना स्वतंत्रता के बाद वाली, चंद्रयान 3 मिशन का वर्ष है, हरिद्वार महाकुंभ का वर्ष है। ठीक है, कुल बजट है कितना है? 33,83,236 करोड़ का। ओके, याद रखना इसको। और देखिए राजकोष घाटा भी देख लेते हैं, बजट बजट घाटा शून्य है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, बजट घाटा हमारा शून्य है। राजकोषीय घाटा 2021 में 9.5 था, 21-22 में 6.8 का परसेंट का अनुमान रखा गया है 21-22 में। ठीक, राजस्व घाटा 7.5% था जो कि 5.1% रखा गया है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है कि 6.3% 2020-21 में था, इस समय 4.1% की उम्मीद की गई, अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक घाटा जो कि 5.9% है, ये 3.1% की अनुमान का अनुमान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं। विभिन्न राज्यों का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक लाने का लक्ष्य जो है 23-24 तक रखा गया है, कि जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ का राजकोषीय घाटा जो जीएसडीपी जो राजकोषीय घाटा है वो जीएसडीपी का 3% तक लाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है, वो भी कब तक? 2023-24 तक। ठीक है, अब देखिए एक बजट देखते होंगे, उसमें रुपए आता है कहाँ जाता है, ये भी एक पॉइंट होता है ना, तो इसमें याद रखना रुपए जो आया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है? सबसे ज़्यादा आया भैया उधार व अन्य देयताओं से सबसे ज़्यादा आया, फिर आया जीएसटी से, फिर आयकर से आया हुआ। ठीक है, और सबसे कम आया सीमा शुल्क से, सबसे कम सीमा शुल्क से आया है, और सबसे ज़्यादा उधार और अन्य देयताओं से आया, जीएसटी और आयकर, ये तीन लगातार याद रखना। ठीक है, व्यय हुआ है तो व्यय कहाँ हुआ भाई? सबसे ज़्यादा गया कहाँ है? तो ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा गया, उसके बाद कर और शुल्क में राज्य का हिस्सा के रूप में गया है, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में भी पैसा गया हुआ, लेकिन सबसे कम पैसा पेंशन वाले मामले में गया है। ठीक है, तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं। चलिए आगे देखते हैं, बजट के 6 आधार स्तंभ रहे हैं भाई, ये हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, कितने आधार स्तंभों पर बजट पेश हुआ है? तो हमें उनका नाम भी याद रखना, 6 याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पेपर है तो पेपर में फैक्ट तो है ही है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा हमें आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। ठीक, तो बजट के 6 आधार स्तंभ कौन कौन से भाई? देखिए स्वास्थ्य और कल्याण, इसमें याद रखना 2,23,846 करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब पिछली बार की अपेक्षा +137% है स्वास्थ्य कल्याण। ठीक है, भौतिक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना दूसरा है, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा है नव प्रवर्तन अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये हमारे 6 के 6 आधार स्तंभ है भैया, इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए सरकार का लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 6 साल में 64,180 करोड़ रुपया खर्च करना है, सरकार का लक्ष्य है आने अगले 6 साल में, किस पे? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, इन दोनों को मिलाकर बना है मिशन पोषण 2.0। इसमें याद रखना 112 आकांक्षी जिलों में ये लागू किया जाएगा, मिशन पोषण 2.0 कितने में? 112 जिलों में। जल जीवन मिशन जो कि शहरी है वो, उसका लक्ष्य भाई 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपया खर्च करना है। ठीक है, याद रखना शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 5 साल में भैया 1,41,678 करोड़, 1,41,678 करोड़ खर्च करना है। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति आई है, इसमें क्या है
कि स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति भैया अनुपयुक्त वाहनों की चरणबद्ध तरीके से हटाना है। इसमें देखिए व्यक्तिगत वाहन जो होंगे उनको 20 वर्ष का टाइम है, वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष में हटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। मित्रा स्कीम है, मित्रा स्कीम क्या भाई, मित्रा स्कीम है कि 3 साल में, याद रखना 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना भाई। इसका फुल फॉर्म मित्रा का ध्यान रखना, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने हैं। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा बजट रेलवे का रहा है ना, रेलवे का सबसे ज़्यादा पैसा जिसमें गया सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सड़क परिवहन मंत्रालय का है, फिर राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का है सबसे ज़्यादा है रेलवे का, उसके बाद सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का है ना, ये तो है। तो कितना कितना है, अच्छा रेलवे में देखिए 11,055 नहीं नहीं 11,110,055 करोड़ रुपया है। ठीक, 1,10,055, लेकिन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के लिए कितना है भाई, 1,18,101 करोड़ रुपया। ठीक है, याद रखना दो इसी में सबसे ज़्यादा बजट इसी में गया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। पूर्व में संचालित योजना में सबसे ज़्यादा बजट किसको मिला भाई, मनरेगा को मिला है, याद रखना कितना, 73,000 करोड़ रुपया। पहले जो योजना चल रही ना उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मनरेगा को दिया गया, 73,000 करोड़ रुपया। ठीक, पीएलआई स्कीम जो है, पीएलआई स्कीम क्या है, पीएलआई स्कीम 13 सेक्टरों पर के लिए लाई गई है। ठीक, इसमें देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये जो वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया, तो हम इस तरीके से लिख डाले। ठीक, याद रखना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, रिवॉर्म्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए है, रिवॉर्म्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है ये अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए है ये योजना। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, 2021-22 के तहत मेट्रो रेल के लिए मेट्रो लाइट मेट्रो नियो नामक नए तकनीक को शुरू किया जाएगा, याद रखना 2021-22 के दौरान है, तहत क्या है कि मेट्रो रेल के लिए मेट्रो लाइट मेट्रो नियो नामक नई तकनीक को शुरू किया जाएगा। सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या है भाई, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है हमें। तो सरकार के आगामी लक्ष्य भैया ब्रॉड गेज रूट्स का 100% विद्युतीकरण होना चाहिए, कब तक, 2023, कब, दिसंबर महीना में, दिसंबर 2023 में। ठीक, रेल के माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27 से 45% कर देना है, कब तक, 2030 तक। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करना 2030 तक है। गगनयान मिशन के तहत मानव रहित पहला यान होगा, दिसंबर 2022 तक का लक्ष्य है। देश में नया सीमा शुल्क लाने का लक्ष्य है, 1 अक्टूबर 2021 से, मतलब पेपर होने से पहले जो जो महीना चल रहा है ना इसी में। ओके, शिप रिसाइकलिंग यॉर्ड्स की क्षमता को दोगुना करना है 2024 तक। शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स जो होते हैं ना उनकी क्षमता को दोगुना करना 2024 तक। ठीक है, गैस पाइपलाइन परियोजना कहाँ पर भाई स्थापित की जा रही है, जम्मू कश्मीर में, ये भी हमें ध्यान रखना है। एकल सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड क्या है ये, अब देखिए एकल सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड में किनको किनको शामिल किया गया है हमें पता होना चाहिए। सेबी एक्ट 1982, डिपॉजिटरी एक्ट 1986, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, इन सबको एक में मिलाकर क्या बोला गया, एकल सिक्योरिटीज मार्केट्स एक्ट कोड। ठीक है, नाम दे दिया गया, इन चारों को नाम याद रखना, सेबी एक्ट 82, डिपॉजिटरी एक्ट 96, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 56, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007, बीमा अधिनियम 1938 बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके क्या किया गया, FDI को 74% तक कर दिया गया है, FDI को 74% तक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक बंदरगाह व फिश लैंडिंग सेंटर बनाना है भैया, कहाँ कहाँ आधुनिक बंदरगाह और फिश लैंडिंग कहाँ बनाएगा बनाना है,
कोचीन बनाना अभी है, चेन्नई में बनाना है, विशाखापट्टनम बनाना है, पारादीप और पेटुआ घाट में बनाना है। तो ये 5 जगहों पे आधुनिक बंदरगाह फिश लैंडिंग सेंटर बनाना है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड की स्थापना कौन करेगा? नाबार्ड के द्वारा की गई है। नाबार्ड के द्वारा माइक्रो इरिगेशन फंड की स्थापना की गई भाई। ई नाम के तहत 1,000 कृषि मंडी को जोड़ा जाएगा। याद रखना, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू हुआ है। ये क्या करेगा? शासन व नीति से संबंधित ज्ञान को भारत के प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट हुआ है। क्या नाम है? राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। विवाद से विश्वास स्कीम क्या भाई? पुराने टैक्स से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए, पुराने टैक्स से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम की शुरुआत हुई। कुल ITR की संख्या कितनी होगी भाई? ये 6.5 करोड़ हो गई इस समय। एक बात और याद रखना है कि इसमें 75 वर्ष से अधिक वाले जो होंगे उनको छूट दी गई है। किससे? ITR से, इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, याद रखना। आत्मनिर्भर भारत पैकेज क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है कुल GDP का 13%, मतलब 3 चरणों में ये पूरा किया जाएगा। 3 चरणों में पूरा होगा, कुल GDP का 13% खर्च होगा इस पे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम है। डिजिटल जनगणना के लिए कितना दिया गया? 3768 करोड़ रुपया। आकस्मिक निधि के लिए 500 से 3 500, पहले 500 करोड़ था, अब 3,000 करोड़ हो गया। 30,000 करोड़ में 3,000 करोड़ है। ठीक है, कृषि ऋण का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़। सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको मिली है? अब सबसे ज़्यादा सब्सिडी देख लेते हैं भाई। सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली है खाद्य को सबसे पहले, उसके बाद उर्वरक, उसके बाद पेट्रोलियम को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 34,300 करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य है भारत सरकार का। याद रखना, कब आई है? 34 साल बाद आई है, इससे पहले 86 में आई थी। के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है, याद रखना इसको। 2021-22 में अर्थव्यवस्था में GDP वृद्धि वी शेप में नजर आई। ठीक, ये भी हमें याद रखना है। आगे क्या है कि डीप ओशन मिशन के लिए कितना? 4,000 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च करना है। डीप ओशन मिशन के लिए हमको 5 साल में 4,000 करोड़ रुपया खर्च करना है, भारत सरकार का लक्ष्य है। और याद रखना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाई, गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे चले, एक पेज और देखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। बजट 2021-22 के अनुसार यहीं तक देखेंगे बस। बजट 2021-22 के अनुसार क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएं। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवीड पार्क बनाए जाएंगे। सीवीड मिशन के बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, फिर लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो भैया बजट के बारे में हो गया। ठीक है, अब आर्थिक सर्वेक्षण है, तो इसके बारे में हमें लगता है कि अगली वीडियो में करना चाहिए, क्योंकि ये अगर इसी में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, कि कर दें अभी। चलिए इसको भी देख लेते हैं, जो भी देखेंगे जितना टाइम हो जाए। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी 2021 को पेश हुआ है। इस बार बजट से एक दिन पहले पेश हुआ है, याद रखना। थीम क्या रही? थीम रही भैया सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, जीवन और आजीविका की सुरक्षा नाम रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के मार्गदर्शन में आर्थिक मामले के विभाग वाणिज्य प्रभाग के द्वारा तैयार किया गया था इस बार। ठीक, 50-51 क्या हुआ? पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ। पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब आया? 50-51 में आया था। 64 तक आम बजट के साथ ही रहा, लेकिन बाद में एक दिन पहले कर दिया गया। 1964 तक यह आम बजट के साथ में ही आता था, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इसको एकदम पहले पेश किया जाता है, याद रखना। वास्तविक GDP क्या है? 2021 में 7.7% थी, 2021-22 में 11% वृद्धि हो गई। GVA जो है इसमें -7.2% थी, इस बार इसका अभी नहीं निर्धारित। ठीक है, तो 21-22 में देखिए सांकेतिक GDP में वृद्धि का अनुमान रहा है +15.4% का। 2021-22 में सांकेतिक GDP में वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है वो 15.4% का लगाया गया है, वो भी प्लस में। ठीक है, धनात्मक रूप में। अभी तक 4 बार नेगेटिव ग्रोथ रही है, याद रखना, 4 बार अभी तक नेगेटिव ग्रोथ रही है। कब कब?
65-66 में रही है भैया, 71-72 में रही है, 79-80 में रही, फिर 20-21 में भी रही है नेगेटिव ग्रोथ, तो 4 बार नेगेटिव ग्रोथ रही है। ठीक है, भारत के व्यापारिक पार्टनर जो रहे सबसे ज़्यादा चीन रहा है, फिर दूसरे नंबर पर आपका यूएसए है। ठीक है, चीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूएसए है व्यापारिक पार्टनर के रूप में। 13 साल के बाद जून 2020 में हमारा जो ट्रेड सरप्लस रहा है, ठीक है, ट्रेड जो रहा हमारा वो सरप्लस देखा गया 13 साल के बाद ऐसा हुआ है, वो भी कब देखा गया, जून 2020 में। ट्रेड बैलेंस देखें तो सबसे ज़्यादा भैया यूएसए के साथ रहा है, ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश के साथ रहा। ट्रेड बैलेंस की बात करें सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से हुआ, सबसे ज़्यादा आयात हुआ भैया चीन से, उसके बाद यूएसए से, फिर यूएई से, फिर हांगकांग से। सबसे ज़्यादा आयात चीन, यूएसए, यूएई, हांगकांग, और सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से हुआ है, कहाँ हुआ है, यूएसए, चीन, यूएई, हांगकांग। तो यूएई हांगकांग का नंबर नहीं चेंज हुआ, लेकिन चीन और यूएसए का नाम चेंज हो गया आयात और निर्यात। ठीक, सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आई है, सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आई है, पहले तो ध्यान रखें, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आई भैया सेवा क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में भी कहाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आई है। ठीक, सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आई है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है सिंगापुर से, उसके बाद यूएसए से आई है, और सबसे ज़्यादा एफडीआई किस राज्य में आई है सबसे ज़्यादा, तो वो गुजरात में आई है। ठीक है, अब देखिए आयात की जनरली वस्तुएं कौन कौन सी रही भारत में, भैया पेट्रोलियम क्रूड रहा है, आयात किया गया पेट्रोलियम उत्पाद रहा है, सोना रहा है, टेलीकॉम उपकरण रहे, कोयला रहा है। निर्यात को क्या क्या हुआ है, पेट्रोलियम उत्पाद रहा है, औषधि फार्मूलेशन, मोती और बहुमूल्य पत्थर, लोहा इस्पात रहा है, फिर इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपस्कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व कहाँ है, सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व चीन के पास है। ठीक है, भारत का चौथा स्थान इस मामले में, याद रखना भारत का चौथा स्थान चीन सबसे एक पहले नंबर पर है। विभिन्न क्षेत्रों में ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कृषि में देखी गई भाई 3.4%, उद्योग में -9.6% है, सेवा में -8.8% है। जीवीए देखें, जीवीए सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र 54%, उद्योग क्षेत्र 26%, कृषि में 20% का। जीडीपी में देखें सेवा पहले नंबर पर, उद्योग दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कृषि है। सबसे ज़्यादा रोजगार, सबसे ज़्यादा रोजगार किस में मिला भाई, कृषि में मिला है, उसके बाद सेवा है, फिर उसके बाद उद्योग में मिला हुआ है। WHO ने कोविड पैंडेमिक कब घोषित किया, WHO ने कोविड पैंडेमिक कब घोषित किया, तो ये किया भैया 11 मार्च 2020 को, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में है हमारे। MSME की नई परिभाषा भी निश्चित की गई है, तो जैसे माइक्रो की क्या परिभाषा है, निवेश होना चाहिए भैया 1 करोड़, टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़। ठीक है, तो माइक्रो होगा, स्मॉल में निवेश होना चाहिए 1 से 10 करोड़, टर्नओवर होना चाहिए 5 से 50 करोड़ तक। मीडियम में निवेश होना चाहिए 10 से 20 करोड़, टर्नओवर होना चाहिए 50 से 100 करोड़ के बीच में। तो भैया याद रखना MSME की नई परिभाषा के तहत क्या है। ठीक, आगे देखते हैं। सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत का हिस्सा 3.5% है, सेवा क्षेत्र के निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है, 3.5% का है। प्रवासी जनसंख्या जो विश्व में है भारत की कितनी है, 3.6% है। ठीक है, पर्यटक जो भारत में सबसे ज़्यादा आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं भैया, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आते हैं भारत में, उसके बाद यूएसए से आते हैं, फिर यूके से आते हैं, लेकिन पर्यटक राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आते हैं, फिर महाराष्ट्र में आते हैं, फिर यूपी में आते हैं, तीसरे नंबर पर यूपी का है। भारत के पर्यटक जो राज्यों में आपस में घूमते रहते हैं वो सबसे ज़्यादा यूपी वाले रहे हैं, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर है। ठीक, अच्छा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 34 साल बाद आई थी, हमने पहले आपको बता रखा। हर घर तक स्वच्छ पीने योग्य पानी पहुँचाने का लक्ष्य कब तक है, 24 तक, हर घर तक स्वच्छ पीने योग्य पानी पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। अच्छा, जीडीपी में देखें तो सबसे बड़े, सबसे पहला नंबर है महाराष्ट्र का, उसके बाद तमिलनाडु का, उसके बाद तमिलनाडु का, फिर है उत्तर प्रदेश का नंबर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय देखो भैया, गोवा का, गोवा पहले नंबर पर है, सिक्किम दूसरे नंबर पर, दिल्ली तीसरे नंबर पर। तो सबसे ज़्यादा में गोवा, सिक्किम, दिल्ली पहले, दूसरे, तीसरे। सबसे कम देखें तो बिहार बिल्कुल नीचे, उसके बाद
यूपी का नंबर, फिर झारखंड का नंबर, नीचे से तीसरे नंबर पर झारखंड, नीचे से दूसरे नंबर पर यूपी है। ठीक। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ भैया? तो छत्तीसगढ़ में। कितनी? 39% गरीबी छत्तीसगढ़ में है इस समय। और ठीक है, इसमें क्या हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण में एक व्यक्ति का नाम लिया गया था। नाम क्या है? नाम है उनका हैंसन एंड सार्जेंट। हैंसन एंड सार्जेंट की चर्चा की गई थी आर्थिक सर्वेक्षण में। तो ये कौन भैया? ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, याद रखना। अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में भी जीवन का कम से कम नुकसान होने की रणनीति बनानी चाहिए, इन्होंने ऐसा सुझाव दिया था। ठीक है, इनको इसी बात के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो नाम याद रखना इनका। NIP क्या है भाई? NIP देख लेते हैं। NIP क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्या है भाई? 2020 से 25 के लिए लाया गया, 2020 से 25 तक के लिए, याद रखना। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के अंतर्गत है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के उद्देश्य क्या है? भारत को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना है। अतानु चक्रवर्ती समिति के आधार पर लाया गया। तो ये अतानु चक्रवर्ती की समिति के आधार पर 2020 से 25 के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना लाएगी, जो कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत ये संचालित किया जाएगा। उद्देश्य है भारत को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इसमें। एक और देख लेते हैं इसमें, चलिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में इसकी शुरुआत हुई है, याद रखना। उद्देश्य है सबसे कमजोर तबके के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाना। BNI क्या होता है? BNI बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स क्या है? इसके 5 आयाम है। BNI के 5 आयाम क्या क्या कौन कौन से हैं भाई? स्वच्छता, सबसे पहले स्वच्छता, फिर जल, फिर आवाज, फिर सूक्ष्म पर्यावरण, फिर अन्य सुविधा। इन्हीं 5 आधारों पर BNI जारी किया गया है। ठीक। संकेतक है 26। शीर्ष स्थान किसका है? केरल का। पहले नंबर पर केरल, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर गुजरात का नंबर आता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है भाई कि ग्रामीण शहरी अखिल भारतीय स्तर पर जीवन जीने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब उत्पादन, उत्पादन देखने भारत का स्थान, स्थान भी रहेगा उसमें। तो मछली के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, अंडा के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, और मांस के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। तो भैया भारत का स्थान याद रखना, किसके उत्पादन कितना है। ठीक। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69.7%। मनरेगा में मजदूरी में प्लस 20 रुपये की वृद्धि हुई है, हो गया है 202 रुपया। 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से 202 रुपये में 20 रुपये बढ़ोतरी के साथ। 2018-19 बेरोजगार दर क्या रही? बेरोजगारी दर 2018-19 में रही 5.8%। ठीक है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI 49 था पहले, अब 74 हो गई है, याद रखना इसको। कृषि अवसंरचना निधि की स्थापना 1 लाख करोड़ की लागत से की जाएगी। कृषि अवसंरचना निधि की स्थापना 1 लाख करोड़ की लागत से की जाने वाली। ठीक। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य है 10% का। कब तक? 2022 तक। 2022 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित किया जाएगा 10% तक, लेकिन 30% भी मिलाना है। वो कब तक? 2023 तक। ठीक है, याद रखना इसको। 8 कोर उद्योग है, ध्यान रखना। 8 कोर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में प्रतिशत रहा है भैया 40.27% का। 8 कोर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में 40.27% का योगदान है इसमें। देखिए 8 कोर उद्योग कौन कौन से भाई, याद रख लो। कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद सबसे अधिक है, रिफाइनरी उत्पाद सबसे अधिक इसका उत्पादन है, याद रखना। उर्वरक का सबसे कम है, याद रखना। इस्पात है, सीमेंट है और बिजली है। तो भैया ये इनका क्रम है, सबसे अधिक किसका उत्पादन, सबसे कम किसका, ये भी हम बता दिए। टोटल हुआ 40.27% का। ठीक है। एक है चैंपियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्या भाई? चैंपियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 5 मई 2020 में शुरू हुआ है। चैंपियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मई 2020 में शुरू हुआ, MSME के लिए है ये। उद्देश्य है उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण तथा सामंजस्यपूर्ण उनका अनुप्रयोग करना, इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है। अब देखिए विभिन्न क्षेत्र है इसमें भारत का स्थान देख लेते हैं, बस इसी बात खत्म कर देंगे। कपड़ा वस्त्र उत्पाद के निर्यात में भैया 6ठा स्थान भारत का।
पहला स्थान चीन का है, जर्मनी का दूसरा है। पहला चीन, दूसरा जर्मनी, भारत का छठा। रोड नेटवर्क की लंबाई में देखें तो भारत का दूसरा है, पहले नंबर पर यूएसए आता है। कच्चे इस्पात उत्पादन देखें तो दूसरा स्थान भारत का ही है, ठीक है। भारतीय रेल जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भाई, यात्री वाहक के रूप में पहला स्थान है, माल वाहक के रूप में चौथा स्थान है। अलग अलग देखेंगे तो पहला चौथा चला जाएगा, भारतीय रेल टोटल मिला के देखेंगे तीसरा स्थान आ जाएगा, ठीक है। ओपन स्कूल प्रणाली के तहत, ओपन स्कूल प्रणाली के तहत क्या कि 2 करोड़ बच्चों को मुफ्त मुख्य धारा में लाना है भाई। 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए ओपन स्कूल प्रणाली की शुरुआत की गई। और आवासीय शिक्षा क्या है? नहीं, व्यावसायिक शिक्षा, नई शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू होगी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं तक करते हैं, ठीक, चलिए बस यहीं तक बहुत है अभी, ठीक है। अगली वीडियो कल बनाएंगे क्योंकि आज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसी के साथ भैया आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।